रहमान रहीम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू चैनल विंस फूड डायरी, अ प्रोग्राम दैट वांट्स यू टू नो योर फूड राइट। आज का हमारा फूड स्पॉटलाइट सिनेमिन यानी दालचीनी पर है। इस जड़ी बूटी पर जदीद रिसर्च हुआ है और साइंसदानों का मानना है कि ये जड़ी बूटी दुनिया में 26 सुपर पावरफुल हर्ब्स में सबसे ऊपर है अपनी एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स की वजह से। ये एंशियंट कल्चर्स में इतना राइज थी कि एट वन पॉइंट इट वॉज कंसिडर्ड इवन मोर वैल्यूबल देन गोल्ड। हमारे घरों में अक्सर दालचीनी खानों में जैसे कि बिरयानियों में आती है और तभी वो हमें काफ़ी बुरी लग रही होती है, लेकिन आज मैं आपको दालचीनी के 10 हैरानकुन फ़ायदे बताने वाली हूँ और ये भी कि उसे किस तरह से इस्तेफादा हासिल हो सकता है। दालचीनी असल में एक दरख्त की छाल है और हम उसे गर्म मसालों में यूज़ करते हैं। बट टू टेल यू दैट देर आर टू मेन वराइटीज़ इन द मार्केट। वन इज कॉल्ड सेलोन सिनेमिन, जो ट्रू सिनेमिन भी कहा जाता है, एंड इज कंसिडर्ड मोर हेल्दी दैन द अदर वेरियंट विच इज़ कॉल्ड कैसिया सिनेमिन। सिनेमिन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं एंड द स्पाइस इज स्पेशली रिच इन फाइबर एंड मैंगनीज अलॉन्ग विद सेवरल अदर वाइटमिन सच एज वाइटमिन ई, नाइसिन, वाइटमिन B6 एंड मिनरल सच एज मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक एंड कॉपर। इसमें बहुत सारे स्पेशल कंपाउंड्स भी मौजूद हैं जैसे कि सिनेमाल्डिहाइड, सिनेमिक एसिड एंड सिनेमिड, जो असल में रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट्स मैनी हेल्थ प्रोमोटिंग प्रॉपर्टीज़। दालचीनी 3 हिस्से गर्म और 3 हिस्से खुश्क होता है। इसके पहले दो फायदे हैं इसकी एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। इसमें पाए जाने वाले पॉलीफिनॉल्स, फिनोलिक एसिड एंड फ्लेवोनॉइड्स हमारे बॉडी की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो हमारे सेल्स को डैमेज करता है, उससे लड़ने की ताकत देता है और यही कुव्वत की वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होता है। अब जाहिर है जब हमारे सेल्स तनोमंद रहेंगे तो हम क्रोनिक डिजीजेस से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। साइंसदानों ने इस हद तक पेशनगोई की है कि अगर आपकी ज़िंदगी में दालचीनी का सही इस्तेमाल करते रहेंगे तो दूसरों के मुकाबले में 90% तक चांसेस है कि आपको आपकी ज़िंदगी में कोई भी खतरनाक बीमारी लाहक नहीं होगी। दालचीनी का तीसरा और शायद सबसे ज़्यादा असरअंदाज फ़ायदा है इसकी एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़, क्योंकि दालचीनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। आप तो जानते ही हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस ना कि सिर्फ डायबिटीज़ के मर्ज़ की वजह बनती है, बल्कि जदीद रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि 90% लोग जो मोटापे का शिकार है उसकी वजह भी यही कंडीशन होती है। इसके साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन करता है बॉडी में एंड इट कैन लीड टू डिजीजेज सच एज आर्थराइटिस, नर्व डैमेज एक्सेट्रा। आपका दिल, जिगर और गुर्दे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से ख़राब हो सकते हैं और औरतों में PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की भी एक वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। तो सिनेमिन की मल्टीफेरस प्रॉपर्टीज़ इन सारे कंडीशंस में मदद कर सकती है। जदीद रिसर्च से ये बात भी सामने आई है कि दालचीनी इंसुलिन हार्मोन के तौर पर काम करते हुए हमारे ब्लड के शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देता। इसी के साथ दालचीनी का इस्तेमाल बॉडी में शुगर के अब्सॉर्प्शन को भी कम करता है। और अगर आप खुदा न खास्ता डायबिटीज़ के मर्ज के शिकार हो गए हो, तब भी आप दालचीनी से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। अगर आप मोटापे से परेशान हो तो दालचीनी कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। मार्केट में ये बात बहुत ही आम है कि सिनेमिन इज़ यूज्ड फॉर बेली फैट लॉस। यहाँ पर मैं आपको एक बात रुककर बताना चाहूँगी कि ऑल्दो स्टडीज हैव शोन दैट सिनेमिन कैन हेल्प रिड्यूस LDL कोलेस्ट्रॉल, फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एंड ट्राइग्लिसराइड्स अलॉन्ग विद कंट्रोलिंग एपिटाइट एंड इम्प्रूविंग मेटाबॉलिज्म, सिनेमिन इज नॉट अ मिरेकल पिल। अगर आप वेट लॉस चाहते हो तो इट ज़रूरी है कि आप डाइट पर ध्यान रखें, यू लिमिट योर कैलोरी कंजम्पशन, यू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड हैव अ बैलेंस्ड डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सिनेमिन का चौथा फायदा जो है इसकी थर्मोजेनिक प्रॉपर्टीज़ आपको आपके वेट लॉस गोल्स को अचीव करने में ज़रूर मदद करेगा। सिनेमिन का पाँचवा फायदा यह है कि वो खून की नालियों को खुशादा करता है और प्लाक से ब्लॉक्ड आर्टरीज को क्लियर करने में मदद करता है। इससे बॉडी में सर्कुलेशन बेहतर होती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी मदद होती है। इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल ब्रेन और उसके फंक्शंस को प्रोटेक्ट करने में भी मदद करता है और यही है इसका छठा फायदा कि वो न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस को दूर रखने में मदद करता है। एक्साइटिंग न्यू रिसर्च हैज फाउंड दैट सिनेमिन में हेल्प ब्लॉक अ प्रोटीन कॉल्ड टाउ इन द ब्रेन। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्योंकि पेशेंट्स विद अल्जाइमर्स ऑफन
सिनेमिन हैव टाउ बिल्ड अप इन देयर ब्रेन। स्टडीज ने यह भी बताया है कि सिनेमिन में है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब यह है कि वो हमारे इम्यूनिटी को सपोर्ट करने में बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आपको बैड ब्रेथ की शिकायत है तब भी दालचीनी से आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसका दसवां फायदा यह है कि सिनेमिन मुहासे हटाने में, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को बरकरार रखने में और आपकी स्किन पर रिंकल्स आने से भी बचाता है। लेकिन रिसर्च स्टडीज ने यह साबित नहीं किया है कि आपको इसके फायदे टॉपिकली अप्लाई करके हो सकते हैं। इनफैक्ट इट इज रेयरली यूज इन कमर्शियल स्किन केयर प्रोडक्ट्स बिकॉज इट इज अ कॉमन इरिटेंट। अब क्योंकि सिनेमिन इज सच अ पोटेंट रेमेडी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर व्हाइल कंज्यूमिंग दिस स्पाइस। कैसिया सिनेमिन में मौजूद है कुमारिन, जो पेरेंट कंपाउंड है ब्लड थिनर वॉरफेरिन के, और ये ज्यादा तादाद में मौजूद है। Also, experts warn that if you eat too much cinnamon, it can cause liver damage. So now let's move on to how you can take cinnamon. आप एक छोटा 1 या 2 इंच का टुकड़ा लेकर इसको पूरी रात एक ग्लास में पानी में भिगोकर रख दे और सुबह इस पानी को निहार मुंह पी ले। आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सुबह 1/4 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ ले सकते हैं या एक चुटकी मुंह में रखकर उस पर पानी पी सकते हैं। आप इसको अपने स्मूदीज, पॉरेज, सलाद वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी चाय भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखें आपको इसे बॉयल या पकाना नहीं है। जहां इसके इतने सारे फायदे हैं, जो लोग को लो शुगर है उन्हें ये जड़ी बूटी नहीं लेना चाहिए। और जैसे मैंने आपको अश्वगंधा के वीडियो में बताया, अगर आप सिनेमिन को कोई हेल्थ बेनिफिट के लिए ले रहे हो तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसे 10 या 15 दिन तक लीजिए और उसे एटलीस्ट 10 या 15 दिन तक स्टॉप कर दीजिए। हमारा रिकमेंडेशन ये है कि जो लोग को लिवर का मसला है वो भी ये जड़ी बूटी को ही अपने डॉक्टर के सलाह के साथ ले। Also given the lack of evidence of safety, very small children, pregnant women and breastfeeding mothers should not take cinnamon as a treatment. Finally, जो लोग specific medications पर है वो भी ये cinnamon को डॉक्टर के सलाह के बगैर ना ले। इसी के साथ हम चलते हैं हमारे शो के आखिरी सेगमेंट पर, जो है आपकी तकलीफ कुदरत का नुस्खा। अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं तो आप अंडे, गाजर, ओट्स, पालक, सूखा आलू बुखारा, मसूर, काबुली चने, राजमा, नट्स एंड सीड्स आपके हेयर फॉल को कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा नुस्खा ये है कि आप इन हेयर मास्क को हफ्ते में 1 या 2 बार लगा के आपकी हेयर फॉल की परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो पहला है प्याज और करी पत्ते का हेयर मास्क। आप कड़ी पत्ते के पेस्ट में प्याज के अरक को मिलाइए और ये मिक्सचर को आपके स्कैल्प और बालों पे लगाकर 1 या 2 घंटे के बाद वॉश कर लीजिए। दूसरा, आप एलोवेरा के 3 टेबलस्पून को जैतून के तेल में मिलाए और इस मिक्सचर को आपके बालों के जड़ों में मसाज कीजिए और 30 मिनट के बाद बालों को धो लीजिए। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है आपके लिए इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन फायदेमंद साबित होगी। अगर आप हमें इस प्रोग्राम के मुतालिक फीडबैक देना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोडिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।